नरेंद्र मोदी सांसद है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि वहां सपा आगे चल रही है अपने आप में बड़ी देखने वाली बात है। बिल्कुल ये बड़ा टास्क है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी दरअसल जो ईवीएम्स खुलती हैं वो अलग अलग इलाकों की होती हैं, तो जो मत पड़ते हैं वो एक मुश्त पड़ते हैं, वो एक माइंडसेट होता है लोगों का, इलाके के लोगों का, उसी का ये नतीजा है। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी हो सकता है वाराणसी में भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ जाएगी। ये बड़ा उलटफेर वाराणसी में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर झटका हो सकता है। बिल्कुल विवेक, अब सीधे चलते हैं काउंटिंग सेंटर पर, जो हमारी सहयोगी जागृति बनी हुई है, पांचों राज्यों के चुनाव रुझानों पर नजर बनाए हुए। जागृति क्या कुछ कह रहे हैं रुझान? जी बिल्कुल कंचन, लगातार जो है काउंटिंग सेंटर से हम ताजा रुझानों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब पर लगातार जो है हर खबर वहां के रुझानों की ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा मैं रुक करूंगी संदीप की ओर। संदीप, उत्तर प्रदेश के रुझानों की ताजा जानकारी क्या है? जी जागृति, मैं आपको बता दूं तो अभी जो रुझान चल रहे हैं वो बीजेपी में 255, एसपी में 120 सीटों से आगे चल रही है और बीएसपी 5 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस अभी भी सबसे पीछे 4 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले चुनावी नतीजों के मुकाबले बता दूं सपा जो है वो दुगने से भी ज्यादा सीटें लेकर इस बार नजर आ रही है। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि सरकार बनाती नजर नहीं आ रही रुझानों के हिसाब से, लेकिन हाँ पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर सपा कर रही है। और उधर अगर बीजेपी की बात करें तो कुछ सीटें अभी पिछले जो चुनावी नतीजे उनसे थोड़ा सा पीछे बीजेपी है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के हम रुझानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 255 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। वही अगर बात करें 2017 के चुनाव की तो सपा का जो प्रदर्शन है वो इस बार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर सपा की हम सीटों पर नजर डालें तो सपा की इस बार जो है दुगनी सीटों पर जो है सपा इस वक्त आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी उत्तराखंड का, नैना से हम ताजा जानकारी लेंगे। नैना, क्या है इस वक्त उत्तराखंड के ताजा रुझान? ताजा रुझान के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीजेपी को 43 सीटें मिली है और वही रुझानों में सामने आया है कि कांग्रेस को 23 सीटें मिली है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई है। और आपकी अगर हम बात करें तो आपको अभी भी शून्य से ही संतुष्टि करना पड़ा है। जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के रुझानों की हम बात करें तो उत्तराखंड में भी इस वक्त जो है बीजेपी आगे चल रही है, 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी पंजाब का, जहां से पंजाब के ताजा रुझान जो है वो भी प्रीति दे रही है। प्रीति, क्या है पंजाब की ताजा जानकारी? जी पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जैसे कि भगवंत मान जो है उनके घर में सुबह जलेबी बने थे, उसी तरीके से लग रहा है कि बटने वाले हैं, क्योंकि रुझानों में तय हो चुका है कि 117 सीटों में से 88 सीटें अब तक रुझानों में आपकी तरफ जा चुकी हैं और 13 सीटें कांग्रेस की तरफ जा चुकी हैं, जबकि बीजेपी जो गठबंधन है वो 10 सीटें अपनी तरफ खींच रहा है। और जो सीएम कांग्रेस के जो सीएम चेहरे थे चरणजीत सिंह चन्नी, वो अब बदल रहे हैं क्योंकि वो 2 सीटों से चुनावों में खड़े हुए थे और दोनों ही सीटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से पंजाब में भी जो है इस वक्त आपका जो है झाड़ू चल गया, आपका काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आप इस वक्त पंजाब में आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी गोवा का, जहां से लक्ष्मी लगातार हमें ताजा रुझानों की जानकारी दे रही है। लक्ष्मी, क्या है इस वक्त गोवा के ताजा रुझान? जी बिल्कुल जागृति, गोवा में जो है 40 सीटों के रुझान आ गए हैं और यहाँ पे बीजेपी जो है वो 18 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 13 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा कोई ना कोई आगे पीछे होता हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी कहना बहुत ही इस वक्त जो है कहना कुछ भी गलत होगा कि कौन इस रेस में आगे निकल जाएगा। जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर है, इसलिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए अभी हमें ठहरना पड़ेगा यहाँ पे। तो जिस तरीके से अगर गोवा के रुझानों की भी हम बात करें तो गोवा में भी इस वक्त जो है वो बीजेपी हालांकि 18 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ही देर में नतीजे भी जो है वो साफ हो जाएंगे, साफ पता चल जाएगा कि कहां बीजेपी अपना कमल खिला पाई है, कहां सपा की साइकिल चली और कहां हाथ का दम देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं सीधा रुख करूंगी मणिपुर का, जहां से लगातार जो है काजल हमें ताजा जानकारी दे रही है। ताजा काजल, क्या है ताजा रुझान? जागृति, मणिपुर में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 60 सीटों पे रुझान आ चुका है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी 1 सीट से पीछे चल रही है और वहां पे अन्य ने बाजी मार ली है। तो अभी मणिपुर में बीजेपी और अन्य में
कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो रुझान है यही नतीजों में बदलते हैं या फिर आगे पीछे और आंकड़ों में हो सकता है। जिस तरीके से अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में इस वक्त जो है बीजेपी निर्दलीयों से जो है एक सीट से पीछे चल रही है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शायद जो है निर्दलीय मणिपुर में गेम चेंजर के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय इस वक्त जो है वहां पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल हम लगातार पांचों राज्यों के जो ताजा रुझान है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब के अलावा जो चारों राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। हालांकि मणिपुर में निर्दलीय भी इस वक्त गेम चेंजर के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन पंजाब में इस वक्त जो है आपका झाड़ू चलता नजर आ रहा है। सुबह से ही भगवंत मान के घर में जो है जलेबियां बन रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि नतीजे सामने आने तक क्या सभी के घरों में जलेबी बढ़ती नजर आएगी। लगातार काउंटिंग सेंटर आप तक ताजा रुझान पहुंचा रहा है। हम सीधा रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां से लगातार जो है कंचन हमारे साथ सहयोगी हमारी बनी हुई है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जागृति इस तमाम बातचीत के लिए।